भोपाल में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। 17 एवं 18 अक्टूबर तक चले इस 2 दिवसीय आयोजन में राज्य में खनन, तेल, गैस और खनिज आधारित उद्योगों की व्यापक संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य आतिथ्य में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का समापन सत्र आयोजित किया गया। समापन सत्र के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 17-18 अक्टूबर खनिज आधारित उद्योगों में निवेश को लेकर के ये जो सुंदर कल्पना की गई है, मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पीएस श्रीमान संजय शुक्ला जी ने अपनी विस्तार से बात कही और बदलते दौर में मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ और कैसे पहुँच रहा है, इसके कुछ छोटे से उदाहरण देकर के बताना चाहा। मंच पर ही विराजमान डॉक्टर नवनीत कोठारी जी, सेक्रेटरी एमएसएमई, अंशुल पांडे जी, बी सायराम जी, अजीत कुमार सक्सेना जी, इंद्र देव नारायण जी, दीपेंद्र सिंह जी, अनुराग चौधरी जी, ये हमारे भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारी यहाँ विराजमान हैं और देश के कोने कोने से आप सब भी आए। आपका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे आज के इस माइनिंग कॉन्क्लेव में आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज़्यादा मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। ये रत्नगर्भा वसुंधरा जब सौरमंडल की रचना हो रही होगी, उस सौरमंडल की रचना में जब पृथ्वी का अवतरण हुआ है तो कई सारी विशेषताओं को लिए हुए ये हमारी धरती माता इस सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह बन करके सबके बीच आई है। और जैसा कि हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता है और संस्कृति हमको अपनी कुछ और आगे ले जाती है, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के निष्कर्ष से निकाल करके कई सारी बातों को उनने हमसे अपने जीवन से ग्रहों की रचनाओं को जोड़ करके भी बताया है और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया है, सबकी आयु भी निश्चित बताई है। और आज नहीं तो कल इस क्रम से कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारे अपने जीवन में जिस प्रकार से हम परमात्मा की एक कृपा से एक अपनी उम्र लेकर आते हैं, ना हम इसमें कोई क्षण भर घटा सकते ना बढ़ा सकते। एक निश्चित क्रम में आपका जन्म होता है, जन्म पे आपका कोई बंधन नहीं है। और जैसे ही आपका जन्म का समय पूरा होगा, आपके उस सारे प्रयत्न करने के बाद में भी आप कुछ भी कर लो, उसके बाद आपको अपने इस संसार लीला से विदा लेना ही लेना है। लेकिन आने और जाने के क्रम में कुछ कामन चीज़ें बताई है, उस कामन चीज़ों में हमको एहसास भी है। इसलिए कई दुनिया के देशों से हमारे देश की कई मतभिन्नता भी भाव के आधार पर। हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, हमको अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो अपने इस शरीर की रचना को समझ लोगे तो ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये हमारी संस्कृति हमको बताती। और उसी में हमारे अपने काम करने के तरीके में भी वो बात आई जाती है। हमारी अपनी रत्नगर्भा इस पृथ्वी माता को हमने माता संस्कृति से जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मातृसत्ता को प्राधान्यता दी और मातृ संस्था को प्राधान्यता देने में हम अपने इस कुटुंब परिवार को तो विश्व की पूरी कुटुंब की कामना करते हैं, लेकिन ग्रहों में सारे ग्रहों को हमने पितृतुल्य माना। लेकिन मातृतुल्य अगर किसी को माना तो इस वसुंधरा को माना है, जिसके हम पुत्र हैं, जिसका आनंद हम सबको। और उसी नाते से हमने उसको धीरे धीरे वसुधा को नहीं, हमने अपने 200 से ज्यादा देशों में भी अपने आप को भी
अपने देश को भी मातृ संस्था से जोड़ा, इसलिए मातृ सत्ता के आधार पर हमने दुनिया के सारे देश वो अपने आप को पितृ सत्ता से जोड़ते हैं। तो वो कोई अमेरिका माता नहीं बोलता, इंग्लैंड माता नहीं बोलता, एकमात्र देश है जो भारत माता की जो बोलता, हमें इस बात का गर्व है। क्योंकि जैसे हम मातृ सत्ता से जुड़ते हैं तो हम मातृ की एक माता की कल्पना करें, कामना करें, बच्चे के जन्म से लेकर के उसके अपने अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण यात्रा मुकाम तक सारे लोगों की पूर्ति हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अपने संस्कृति में बताया गया कि जीते जी अगर आपने देवता नहीं देखे हो, हमने माताओं को अपने पिता को देव सत्ता के नाते से सीधे सीधे स्वीकार किया है, ये हमारे संस्कृति ने हमको सिखाया। इसी नाते से हम अपने मातृ देवो भव पितृ देवो भव उनको देवता के बराबर मानते हैं, और केवल मानते नहीं है, ये हमने एहसास भी किया। जैसे हमारी रचना हमारी रक्त धमनियां हमारे शरीर से अपने रक्त का प्रवाह करते हुए जीवन देती है, उसी प्रकार से हमारी इस वसुंधरा के अंदर बहने वाली नदियां हमारे उस रक्त प्रवाह की समान इस रत्नगर्भा पृथ्वी के जीवंत होने के प्रमाण देती है। और इसीलिए ये बाद में नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने अलग अलग प्रकार से प्राण ढूंढने का प्रयास किया, तो हमारे अपनी पृथ्वी के अंदर भी प्राण है, वनस्पति में भी प्राण है, ये आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये अब लोगों को मालूम पड़ रहा है और वो उसको पुरस्कार देते हैं। लेकिन हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम अपनी रत्न गर्भा से भी अगर लेने की कल्पना करते हैं तो हम इसका दोहन नहीं करते हैं, इसका शोषण नहीं करते हैं, दोहन करते हैं। और दोहन और शोषण में जमीन आसमान का अंतर है। दोहन का अर्थ ही है कि हम अपने लिए पा तो जरूर रहे हैं, लेकिन पाते पाते हमारे बीच में देने वाले की कृपा भी है और हमारा उदात्त भाव हम श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हर एक जगह पर अपने जीवन में कदम कदम पर दोहन और शोषण के प्रतिकार करते हुए इस बीच का अंतर समझते हुए हमने इसमें शोषण के बजाय दोहन को जोड़कर देखा, और दोहन को जोड़ने में हमारे जो कुछ हमारा है वो परमात्मा की कृपा से है, ईश्वर की लीला से है, इसलिए उस पर हमारा अधिकार है, हमारे देश का भी अधिकार है। लेकिन देश को भी हमने छोटा नहीं माना, इसलिए वसुधा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपन ने माना है। तो यहाँ जो मिला इसमें विश्व का भी अंश है, और जो विश्व के अंदर जो कुछ चाहिए या लेना देना है इसको परस्पर हमारी अपनी उसी भाव को लें जिसको मैंने शब्दों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। इसलिए हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी, वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं, उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से बनी, और उस रचनाओं के आधार पर देश के अंदर भी देखो तो लंबा हो जाएगा विषय। मुझे भी आपसे विनम्रता से क्षमा भी मांगना है कि मेरे पास कल से आज तक का समय था लेकिन मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया, मैं आज ही समय मिला क्योंकि मैं कल से एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुछ अलग ही चमत्कार होते रहते हैं। जो हमने 4 जून को रिजल्ट पाया था भारत सरकार के विजय का, वो हरियाणा ने और परचम लहराया, उसका आनंद हमारे सबके सामने था। जब हरियाणा की प्रचंड जीत के बाद कल शपथ विधि के समय और विधायक दल के चयन में मुझे उपस्थित रहना था माननीय अमित जी के साथ, और उसका एहसास हम सबको है कि बदलते दौर में हमारे लिए ये स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा अन्यथा आपको सबको ध्यान में आएगा, 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहाँ हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्से में आ रहा है, और कहाँ पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। यह है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। कदम कदम पर हर साल होने वाले मंत्रिमंडल के, भारत सरकार के एक ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिनका अपना शैक्षणिक, उनकी अपनी उन्नति, बाकी चीजों का अनुभव कितने प्रकार का उनका, सब प्रकार की चीजों में था। गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, सबको लेके चलने वाले, बड़े विनम्र,
लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कभी कोयला घोटाला हो रहा, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, मंत्रिमंडल के ऊपर भी जिनका नियंत्रण नहीं, ऐसे मौन रहने से क्या फायदा। आज करके देखे, ये है भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी का शासन करने का तरीका। भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने में तो कितने कितने प्रकार से कीर्तिमान बना रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, शुचिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। ये हमारी एक एक नीतियों को लेकर के, मैं अभी हाल ये बैठे बैठे जब बैठा आया था तो मेरा एक ध्यान गया, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा, ये यहाँ से वहां तक जितने अधिकारी बैठे हैं सबके यहाँ पे सफेद फूल रखे, मेरे पास पीले फूल रखे, और हमारे पीएस के पास पीले भी रखे और लाल भी रख दिए। मैं इसका कारण ढूंढ रहा था कि ये कारण क्या हो सकता है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला उसके तो सरकार तो हमेशा रहेगी, ये उसका प्रतीक है, सरकार चलाने वाला कैसा है ये उसका भी प्रतीक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैकेनिज्म तो वो का वही है, अधिकारी भी वही है, लेकिन अधिकारियों को छूट दे कि अगर पारदर्शिता की नीति बनाना है, अगर खदान की नीलामी बनाना है, नीलामी की कोई पॉलिसी बनाना है, तो मुझे इस बात का गर्व है इतनी साफ सुथरी पॉलिसी बने कि 10 साल के बाद 11वां साल चालू हो गया, एक भी कोई घोटाला घटाला कुछ कलपड़ा झंझटबाजी अपने भारत सरकार के माध्यम से नहीं आया, और ग्रोथ कैसी हो रही, प्रगति कैसी हो रही, किस किस प्रकार से हो रही, कभी कल्पना कर सकते हैं क्या। यह आज बदलते दौर में, मुझे तो भगवान राम के चरण देकर आनंद आ गया कि हमारे यहाँ का अपना पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे पहुंच रहा है, यह हमारा अपना मध्य प्रदेश का गौरव और गर्व है। लेकिन संभव हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण से। ग्रेनाइट का बताया, अभी जो मुझे बताया कि ये जो वहाँ कर्नाटक में, आमतौर पर हम ये सब चीज़ें खदान के मामले में आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु पे ही देखते थे, लेकिन हमारा अपना यहाँ की पत्थर की कृति, यहाँ की अपनी माइनिंग से निकली हुई कृति और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की, अभी अपन यहाँ देख करके आ रहे हैं, और वो नहीं कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। आप सब ने भी अभी, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत सरकार ने हमको नंबर वन का पुरस्कार दिया माइनिंग नीलामी को लेकर, तो वो केवल भारत सरकार की उस पॉलिसी को धन्यवाद देते, अन्यथा ईमानदारी से कहो, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था, मैंने कहा ये झंझट है, मेरे पास एक मंत्रालय खाली रखा है, तो हमने सारे मंत्रालयों में काम करता था, मुझे लगता कि ये जरा माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, इस पे साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ते हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी पॉलिसियों के आधार पर सारे देश के सभी सरकारें, राज्य सरकारें अपनी गति से आगे बढ़ रही, जिसमें राफेल की गति भी कम पड़ रही, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज आप जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, और कितने प्रकार से, मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता है, हमारे यहाँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी जेट की गति से भी आगे तेजी से जा रहा है, सब सेक्टर के लिए लगातार, क्योंकि ये बात तो सत्य है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की भी एक सीमा है, लेकिन हमारी बाकी जो संपदा है, बाकी जो हमारी संसाधन की क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत, और वो आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के सभी प्रकार के लोगों के लिए सबको जोड़ के चलते हुए, सबका साथ सबका विकास, खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए, कि हमको हमारे यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है उनको काम मिलेगा, और हमारी जो खनन क्षमता है, हमारी भूगर्भ क्षमता है, उसके आधार पर मध्यप्रदेश में अपनी आर्थिक प्रगति बनेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जब इस साल माइनिंग में लगभग हम अभी 10 12 या 13 हजार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पा रहे हैं, कितना है संजय जी? 10 हजार का। हमने कहा इसको भी आप लगातार आगे 50
हजार तक ले जाओ, ऐसा प्रयास करते रहो। और ये बात सही है कि व्यापारी व्यापार करने कब आते हैं, उद्योग धंधे लगते कब है, जब सरकार का साथ चाहिए, सरकार का भाव चाहिए, सरकार का आसरा और साथ चाहिए। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा, निश्चित रूप से आप सब मिलकर के हमारे सरकार के साथ खड़े होंगे तो आपको कहीं और फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं। मध्यप्रदेश सरकार आपको यह आमंत्रित कर रही और वो सब देने को तैयार है जो बाकी राज्यों में मिल रहा है, और कई मामलों में तो बाकी राज्यों से बढ़कर के भी जो हमारे अधिकारी जो चाह बिगड़ रहा है। सीधी मशीन लग करके अंदर से रेती निकाल करके नदी की धारा बदलती है। अब ये बदलते दौर में पुराने जमाने में उस रेती से काम चलता होगा, अब तो समय बदल गया और अब तो समय भी और आगे बढ़ गया कि नीचे आपका कोई और अयस्क निकल रहा है, ऊपर का रॉ मटेरियल से वो ही पीस दो तो ये बराबर हो गया, हमारे एमसेंट हो जाएगा। ऐसे ही तरीका है ना, ज्यादा समझता नहीं हूं लेकिन जितना समझता हूं उसमें से ही बताना चाह रहा हूं। तो ये जो हमारे पास में आम के आम गुठली के दाम जो सुनते थे वो यही तो है और क्या है। और वैसे तो मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ भी सोना बचाता तो सोने की भी खदानों का संकेत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सोना भी मिल रहा तो हीरा भी मिल रहा, और मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि जब वहां हीरा मिलता उस जिले का नाम पन्ना क्यों है। ऐसा लगता पन्ना भी कहीं से छिपा होगा, अभी पन्ना का नाम रहस्य समझ में नहीं आया है क्योंकि मुझे बताया गया कि पन्ना अभी नहीं मिला, ऐसे ही है ना। लेकिन नाम अगर पन्ना है तो कोई कारण होगा इसे कि जहां हमारे पास जो जो चाहिए वो सब मिल रहा है। ऐसे में आज के समय पर खास करके हम सब मिलकर के, अब ये आज मुझे बताया गया कि हमारे अपने लगातार अभियान जो चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के उद्यमी और इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2,45,000 करोड़ से अधिक के तो निवेश के प्रस्ताव हमारे सभी सेक्टर के आए हैं। अब 2,45,000 किसको कहते हैं, और अभी इसी महीने हमारे हर महीने एक रीजनल कॉन्क्लेव हो रही है और इसीलिए इस महीने की 23 तारीख को रीवा में होने वाली है। लेकिन अब तो देखो कमाल कैसा हो रहा है और माहौल कैसा बन रहा है। आज दोपहर में मैं माननीय पेट्रोलियम और खास करके हमारे ये केमिकल और फार्मा हमारे अपने मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ था, तो हमारी दो बड़े एक तरह से गेल और इसमें बीना वाले प्रोजेक्ट को लेकर के भारत सरकार के साथ पेट्रोकेमिकल का और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है और ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। उस सेक्टर के लोगों को आमंत्रित वहाँ दिन में कर रहा हूँ और शाम के समय माइनिंग वालों के साथ बैठा। इससे अच्छा भाग्य किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है क्या। माध्यम से आपके काम करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो, इसलिए उद्योग करते करते कई लोगों के पेट आप पालते हो और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हो, इसलिए उद्योगपति की ज्यादा बड़ी भूमिका है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सरकारी नीतियों का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का जो संकल्प है इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विश्वास शब्द बड़ा है, हम और आप मिलकर के जो हमारी व्यवस्थाओं की सीमाएं उन सीमाओं को बनाए रखते हुए सबका विश्वास बनाए रखे, और जब ये सब करेंगे तो सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मेरी अपनी ओर से आज मुझे बताया गया कि आज में हमारे पास कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की, ये तो लगभग 10 से 11 हमारी अपनी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए, मैं खोल के तो नहीं बताऊंगा समय कम है, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ के अपने प्रस्ताव आज ही मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा, हमारी ये 2 दिन की कॉन्क्लेव ये सफल हुई है। माइनिंग के अलग अलग प्रकार से स्टील प्लांट भी है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी है, फेरो अलायंस भी है, कोल बेड मिथेन और कोल गैसिफिकेशन और खास करके ये बैतूल जैसे बेल्ट में और छिंदवाड़ा में, और लगभग 5,000 करोड़ का अकेला इसी में ये
इन्विनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड द्वारा है और डालमिया ने सीमेंट प्लांट और क्या क्या सबके लिए जोरदार ताली बजाओ 20,000 करोड़ का। जब आप साफ मन से शुद्ध अंतर मन से और अपनी भावनाओं से अगर परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हो तो इसी प्रकार से सब क्षेत्रों में परमात्मा आशीर्वाद देता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम आखिरी नहीं है, लगातार आप मध्य प्रदेश से ये प्रेम बनाए रखेंगे। आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।